हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया आज हम लोग क्लास फोर की ईवीएस हिंदी की बुक लेकर आए हैं और उसका लेसन नंबर इलेवन पढ़क्कू की सूझ इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार पाठ है इस पाठ में एक कहानी भी छुपी हुई है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं इसके लिए एक मेंबरशिप फीस लगेगी जिसे आप देखें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को लाइव मिल सकूँ सो थैंक यू चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक पढ़कू बड़े तेज थे तर्क शास्त्र पढ़ते थे जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे एक रोज़ वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है रहता है घूमता खड़ा हो या पागुड़ करता है मालिक ने यह कहा अजी इसमें क्या बड़ी बा, बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ कहा पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है ये देखिए घंटी तो चलिए अभी हम लोग इस कविता का को समझ लेते हैं थोड़ा सा एक पढ़कू बड़े तेज थे पढ़कू किसे कहते हैं हम जो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता है बहुत तेज होता है पढ़ाई में तर्क शास्त्र पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे वो तर्क शास्त्र पढ़ते थे तो तर्क शास्त्र जो पढ़ते हैं या तर्क करते समय लोग क्या होता है कि जहाँ कोई बात नहीं होती है वहाँ पे भी बातें बनाने लग जाते हैं एक रोज़ वे पड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए एक रोज़ पढ़क् जो है बहुत फिक्र यानी चिंता में पड़ गए थे उसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कोल्हू आपने सुना होगा जब कोल्हू की बैल बोल के एक मुहावरा भी है जब हम सरसों का तेल निकालते हैं और उसमें बैल गोल गोल घुमाया जाता है तो उस, उसको कोल्हू कहते हैं ठीक है ठीके? जिस पात्र में वो तेल निकालने का काम होता है वो कोल्हू होता है तो बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए मीन्स वो जो आदमी है वो अपना काम करता रहता है और बैल खुद से ही घूमता रहता है कोल्हू से कोल्हू में तो कैसे ये घूमता है बिना किसी के कहने से या चलाने से कई दिनों तक रहे सोचते फिर वे हमेशा कोल्हू तक पहुंचने के बाद सोचता रहता है पढ़कू की ये बैल बिना मालिक के कैसे चल रहा है मालिक बड़ा गजब है मालिक तो बहुत ही गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है क्योंकि पढ़क को तर्क शास्त्र पढ़ा करते थे तो वे हमेशा ही किसी भी बात में थोड़ा सा इसका मतलब अलग निकाल लेते थे सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है मिस कोई तो मंत्र सिखा रखा है बैल को आखिर एक रोज एक दिन रोज जाने के एक रोज जाने के एक दिन मालिक से उसने पूछ ही लिया अजी बिना देखे तुम कैसे जान लेते हो लेते तुम जान भेद यह कैसे यह भेद उस बैल की कैसे जान लेते हो कि कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चल रहा है या रुका हुआ यह है कोल्हू इसके अंदर सरसों रखते हैं और ये इसको बैल घुमाता है नहीं देखती क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है तो मालिक ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या बैल के गर्दन में घंटी है जब तक यह बजती रहती है जब तक घंटी की आवाज़ मुझे आती रहती है मैं जितना भी दूर में रहूं या मैं जो भी काम कर रहा होता हूं मुझे पता चलता है कि मेरा बैल रुका नहीं बल्कि चल रहा है और जब घंटी की आवाज आना बंद हो जाती है तो मैं आके थोड़ा सा पूछ धरता हूं बोला है मीन्स आके पूछ को पकड़ता हूं तो वो बेल फिर से चलने लग जाता है कहा परख ने सुनकर तुम रहे सदा के कोड़े, पेपकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे कोरे मंतिक ज्ञानी के तर्क शास्त्र जो करते हैं उन्हें मंतिक कहा जाता है यहाँ मीनिंग लिखा है यानी तर्क शास्त्र तो तब उसने बोला कि अरे मालिक को बोला कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम्हें कहाँ तर्क शास्त्र की बातें समझ समझ में आएगा अगर बैल कभी सोच समझ कर अड़ जाए रुक जाए और सिर्फ गर्तन ही हिलाता रहे एक ही जगह खड़ा होकर तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल खड़ा हो गया है एक ही जगह घंटी टुन टुन खूब बजेगी क्योंकि वो गर्दन हिला रहा होगा तुम ना पास आओगे तुम्हें तो पता नहीं चलेगा घंटी की आवाज़ आ रही होगी तो सोचोगे कि वो चल रहा है मगर पूरे दिन में भी एक बूंद भी तेल नहीं पाओगे तुम तब मालिक थोड़ा हँसता है और बोलता है कि पढ़कू जाओ जाओ जहाँ से तुम तर्कशास्त्र की पढ़ाई कर रही है वहीं पर ज्ञान फैलाओ मुझे ज्ञान मत दो क्योंकि मेरे बैल ने तो तर्कशास्त्र नहीं पढ़ी है तो वो एक ही जगह खड़े होकर सर घुमाने सर गुँ, गुँ, की बात नहीं सोच सकता है इतना समझदार भी मेरा बैल नहीं है और उसने हंसकर पढ़कू को वहाँ से भगा दिया तो बहुत ही मज़ेदार कविता है आप लोग बार बार पढ़िए इसे रिसाइट करने में भी मज़ा आएगा आप लोग रिसाइट भी कीजिए और यही तक है आज का ये पोयम नेक्स्ट हम लोग प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे तब तक मेरे साथ बने रहिए मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होकर आपको बता सकती हूँ दिखा सकती हूँ या फिर पढ़ा सकती हूँ धन्यवाद